नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 अपना यह कंप्लीट हो गया है। लास्ट में एक एग्जांपल नंबर में 19 आपको सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क्स में एग्जांपल मोस्ट ऑफ आता है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 19। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। उसी तरह दूसरा कंडीशन है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। और हमें दोनों का स्पीड फाइंड करना है, किसका, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट। तो दोनों की स्पीड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सपोज करेंगे, सपोज द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। हमने बोट का स्पीड सपोज किया है एक्स, और उसी तरह द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका पानी जा रहा है उसका स्पीड, ओके, वो आपको दिया है वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे दोनों का स्पीड सपोज करने के बाद आपको बोट डाउनस्ट्रीम में ले जानी है और बोट को अपस्ट्रीम में भी ले जानी है। तो बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम यानी जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम जाएगा, जिस डायरेक्शन में रिवर का स्ट्रीम जाएगा उस डायरेक्शन में आपको बोट ले जाना है। तो अगर उसी डायरेक्शन में आपका बोट जाएगा तो दोनों की स्पीड का प्लस होगा, दोनों की यानी बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड का प्लस, यानी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हमने लिखा है यहाँ पे द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। उसी तरह स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी जिस डायरेक्शन में आपका रिवर का पानी जा रहा है उसकी ऑपोजिट साइड जाना है, उसकी ऑपोजिट साइड जाना है। और ऑपोजिट साइड जाओगे तो दोनों की स्पीड का माइनस होगा, दोनों की स्पीड का माइनस यानी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर हो गया। डाउनस्ट्रीम में जाओगे तो दोनों की स्पीड का प्लस होगा, अपस्ट्रीम में जाओगे तो दोनों की स्पीड का माइनस होगा। अभी फर्स्ट कंडीशन, इन 10 आवर्स, 10 आवर्स इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो इसमें से आपको बनाना है इक्वेशन कैसे, तो आपको ये फॉर्मूला समझाया था उसी मेथड से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो पहले डिस्टेंस देखते हैं हम अपस्ट्रीम का, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को देखना है। सबसे पहले अपस्ट्रीम में कितना जाना है, 30, तो डिस्टेंस लिखेंगे हम 30 अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई, तो अपॉन लिखना है एक्स माइनस वाई, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर। उसी तरह वापस डिस्टेंस लेना है अभी आपको 44, लेकिन 44 किसका है, डाउनस्ट्रीम का, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस 44 और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई, क्लियर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों का डिवाइड करने से आपको मिलेगा टाइम, दोनों का टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 10 आवर्स। यहाँ तक क्लियर, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी मेथड से आपको दूसरा दिया हुआ है, देखो इन 30 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। उसी में भी इसी मेथड से आपको सिंप्लीफाई करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो पहले डिस्टेंस लेते हैं अपस्ट्रीम का 40 और अपस्ट्रीम का स्पीड एक्स माइनस वाई, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। उसी तरह डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है 55 और उसकी स्पीड आपको दी हुई है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, क्लियर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो गया अपस्ट्रीम के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो गया डाउनस्ट्रीम के लिए, दोनों का डिवाइड करने से टोटल टाइम आपको दिया है 13 आवर्स, इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों के अंदर आपको देखो लिखा है एक्सरसाइज 3.6 सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, उसी मेथड से आपको यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन का सॉल्व करना है, आंसर लाना है। 1 upon x minus y इज इक्वल टू a सपोज करना पड़ेगा, 1 upon x minus y इज इक्वल टू a सपोज करना है, 1 upon x plus y इज इक्वल टू b सपोज करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 बनेंगे, उसमें करना है एलिमिनेशन और सिंप्लीफाई इसमें क्या था उसी मेथड से करना है। दो बार आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, दो बार क्या करना पड़ेगा एलिमिनेशन, बाद में आपको आंसर दोनों का मिलेगा एक्स और वाई, यानी कि स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 6 फिनिश।